तीन चार पुलिस वाले मिलकर हमें उठा लिए, जो भी पैसा था वो टोटल छीन लिए। उससे भी मन नहीं भरा तो इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में फोन पे करवाया गया। ऐसा लगता ही नहीं कि ये पुलिस वालों का काम है, ऐसा लगता है कि कोई चोर लुटेरे डाकू है। आज वही पुलिस वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, कल वही पुलिस वाला मुझे गाली दे रहा था, हमारे सामने कितना ड्राइवर को पीट भी रहा था। ऐसे पुलिस वाले जो बिना किसी बात के किसी को उठा के पैसे मांग रहे हैं, वो एक्सीडेंट में भी लोगों की जेब से पैसे निकाल लेते होंगे। हमारा भाई है, वो भी इंस्पेक्टर है। सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें, सभी के पास आप खबर पहुंचा दीजिएगा तो कार्रवाई जरूर होगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारे देश के अंदर और खास करके ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर जो पुलिस का भ्रष्टाचार है वो किसी से छुपा नहीं है, हर कोई जानता है और हजारों लाखों इसके एविडेंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी की पूरी पुलिस जो है वो भ्रष्ट है, लेकिन ज्यादातर अगर आप किसी से पूछेंगे तो इमेज यही है पुलिस की। ट्रांसपोर्ट लाइन के अंदर एक तो ये है कि आपकी कोई गलती है और आपसे तब रिश्वत ली जा रही है, वो तो उसको तो धर्म ही समझते हैं। उसके बाद ये होता है कि आपकी कोई गलती निकल नहीं पाई, तब भी आपको कोई ना कोई फर्जी आपकी गलती बनाकर आपको पकड़ लिया गया और आपका कोई चालान या आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जहां पर इस लेवल तक कुछ पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, जो ऐसा लगता ही नहीं कि ये पुलिस वालों का काम है, ऐसा लगता है कि कोई चोर लुटेरे डाकू है। ऐसा ही एक केस सामने आया है जिसके अंदर ड्राइवर ने पुलिस वालों के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं कि आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ, कौन से राज्य की मैं बात कर रहा हूँ और ऐसा क्या इल्जाम ड्राइवर ने पुलिस वालों के ऊपर लगाया है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सुनकर आप उदास भी होंगे और गुस्सा भी आएगा कि किस हद तक ये जा सकते हैं पुलिस वाले, जिनको जो हमारे रक्षक हैं असल में, वो किस हद तक भक्षक बन सकते हैं, ये आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया, मेरा क्लेम पास हो गया है और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, राजा राम यादव ड्राइवर है, बिहार के रहने वाले है, 15 साल से गाड़ी चला रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर रिलायंस का तेल ढोते हैं, टैंकर गाड़ी ये चलाते हैं, हल्दिया से दमकल ये चलते हैं। 8 घंटे का ये ट्रैवल है, 325 किलोमीटर का डिस्टेंस है और ये अलग अलग जो गैस स्टेशन है, पेट्रोल पंप है, वहाँ पर तेल डालते जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो ये दमकल अपनी जो थी वो टैंकर खाली करके, जो एंड तक गए मतलब वहाँ खाली करके गाड़ी वापस हल्दिया लेके आ रहे थे, तो लगभग वहाँ पहुँच गए थे। तो किशन नगर कोई जगह है वहाँ पर, उससे 5 किलोमीटर पहले एक टी स्टॉल है, खाली गाड़ी है, माल अनलोड कर दिया, वापसी हो रही है। वापसी भी जहाँ पर हल्दिया पहुँचना है, लगभग पहुँच गए हैं, तो वहाँ पर चाय पीने के लिए एक टी स्टॉल पर रुक जाते हैं किशन नगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर, और वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके, वहाँ शायद ये जो टी स्टॉल है वो किसी कोई औरत चलाती है, कोई महिला चलाती है, वहाँ पर ही अपना चाय पीने बैठ गए। तो 5 मिनट बाद कुछ पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं, वेस्ट बंगाल पुलिस के कुछ कर्मी वहाँ पर आते हैं और कोई बातचीत नहीं होती है। बताया जा रहा है, जो राजा राम यादव ने हमें बताया, कि मुझे वहाँ से बिना कुछ बात करे, बिना कुछ बताए उठा लिया गया और उठाकर मुझे पास की किसी जगह पर ये लोग ले गए। वहाँ पर पास में दुभुलिया नाम की जगह है, वहाँ पर एक धर्मकांटा है, वे ब्रिज है, वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर पहले से 3-4 ड्राइवर मौजूद थे जो बताया गया हमें, और उनको वहाँ बुरी तरह से मारा जा रहा था। और इसको ये बोला राजा राम को कि तुमने वहाँ पर उस औरत को छेड़ा है और इस वजह से तुम्हें वहाँ पर उठाया गया है, इस वजह से तुम्हारी कंप्लेंट हुई है और ये तुम पर आरोप है। तो उसने तमाम तर्क दिए होंगे वहाँ पर कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बताइए या मेरी बात कराइए, ये वो, तो कुछ उसका कोई फायदा ही नहीं था। सीधा सीधा बात इस पर आ गई कि तुम्हें अगर बचना है तो पैसे देने होंगे, तेरी जेब में जितने पैसे हैं वो निकाल। तो बताया हमें राजा राम यादव ने कि लगभग 7,000 रुपए के करीब मेरे पास थे, जो सारे के सारे इन्होंने अपनी जेब में डाली और 20 रुपए मेरी जेब में छोड़ दिए। देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दया नहीं है पुलिस वालों के दिल में, 20 रुपए छोड़ दिए और 7,000 रुपए ले लिए। इसके बाद लेकिन उनका टारगेट पूरा नहीं हुआ,
होगा ना कि भाई एक मुर्गा पकड़ा है तो उसको कितना उसको छीलना है। तो बोला ये गया कि तुम ये बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे, ऑनलाइन कितने पैसे तुम्हारे पास अभी हैं। तो जब वहां पर मार पड़ रही है, पुलिस वाले सामने हैं, बेगाना स्टेट है, कुछ कर नहीं सकते आप, तो बता दिया उसने कि बताया क्या, वो बोला होगा कि दिखाओ, तो उसमें 11,000 रुपये थे, गूगल पे वगैरह में 11,000 रुपये थे। तो बोला कि ये 11,000 रुपये तुम्हें ट्रांसफ़र करने होंगे। तो उसने बोला कि नहीं, जो मर्जी हो जाए, इतने पैसे तो मैं नहीं दे सकता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने बोला कि 3,000 नहीं, तुम्हें 3,300 रुपये फिर देना होगा। तो 3,300 का क्या हिसाब है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने बोला कि अब देखिए यहाँ पर पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, अपने अकाउंट में किसी दोस्त रिश्तेदार के अकाउंट में नहीं पैसे ट्रांसफर करवा रहे, क्योंकि अगर कराएंगे कल को सबूत बन जाएगा। तो उन्होंने क्या करा कि साथ का एक पेट्रोल पंप है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप नीलचल जगह है, NH 34 पर, वहां पर चलो, वहां पर तुम पेट्रोल पंप वालों के खाते में पैसे डलवाओगे 3,000 रुपये, और 300 रुपया उसने बोला कि पेट्रोल पंप वाला लेगा तुमसे, चार्जेस है उसके ये काम करने के। वो असल में क्या होगा कि 3,000 रुपये पेट्रोल पंप के खाते में डाले और 3,000 कैश उनसे वो ले लेंगे पुलिस वाले। तो वो बदले में सर्विस करने के मेहनत के जो भी ये करा सिस्टम उनका है, तो 300 रुपये पेट्रोल पंप वाले का है, वो जहाँ पर जो भी कोई कर्मी होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ये पता चलती है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ होगा, ये संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे बोलते हैं वो है। तो पहले से सब सेटिंग है और 3-4 की पिटाई वहां पर हो रही थी, पता नहीं वो इसी केस में बेचारे ड्राइवर पिट रहे थे या कुछ और है। तो वहां पर ले जाया गया, वहां पर पेट्रोल पंप पर इन्होंने 3,000 रुपया पेट्रोल पंप वालों को ट्रांसफर करे, 3,300 रुपया, और 7,000 रुपया पहले दे दिया था, लगभग 10,300 रुपये की चंपत बेइज्जती हरासमेंट करने के बाद वो इसको वहां पर छोड़ गए। गाड़ी तो पहले वहीं पर खड़ी थी, गाड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं था, कागज कोई पूछा ही नहीं गया, सिंपल बंदा किडनैप करा, मारपीट करी और डराया गया और पैसे ले लिए गए। ये इल्ज़ाम राजा राम यादव ने लगाए हैं इन पुलिस वालों के ऊपर, पुलिस वालों के नाम, उनका क्या पोजीशन है, कांस्टेबल है, क्या है, पता नहीं है। इसके बाद लेकिन राजा राम यादव ने, बंदे को लगता है ना कई बार के खुद की गलती हो, जैसे मैंने कहा कि चलो यार मेरी खुद की गलती थी, 5,000 का चालान बनता था, मैंने 500 दे दिया, तो चुपता नहीं है, लेकिन कुछ किया ही नहीं, और इतने और ऐसा इल्ज़ाम लगा देना और इस तरीके से लूट जाना, बंदे को अपने आप से ही कई बार घिन आती है कि ये हो क्या रहा मेरे साथ। तो उसने इमीडिएटली गूगल करके वहाँ पर जो लोकल एसपी थे उनका नंबर निकाला, तमाम जो बड़े अधिकारी थे, तो एसपी साहब ने, फिर भी मैं दाद दूंगा कि उन्होंने बात सुनी, पहले तो ऐसे रैंडम कॉल उठाई और बात सुनी, उन्होंने एक SHO का नंबर दिया, और वहाँ पर SHO ने शायद बोला या SP साहब ने बोला कि तुम आने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, सेम ही पुलिस है देखिए। तो उन्होंने कहा कि आप WhatsApp पे कंप्लेंट करो, WhatsApp पे मैसेज करो, उसी को कंप्लेंट माना जाएगा। तो उसने WhatsApp पे पूरा किस्सा लिख के उनको भेज दिया, SHO को भी भेज दिया और SP को भी भेज दिया। तो उसके इमीडिएटली बाद इन्हीं वर्दी में जो लुटेरे छुपे हुए हैं, इन्हीं का इनको फ़ोन आता है कि तुम अपना 10,300 वापस ले लो और कंप्लेंट भी वापस ले लो। तो 10,300 तो वापस ले लिया, उसके बाद कंप्लेंट वापस लेने के लिए इनकी कोई बातचीत फ़ोन वगैरह पे जो भी होती है वो आप सुन सकते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ कहाँ बोल रहे थे? ओ, जो आपका नोटिस देना था, देने के बाद था, वो दे दिया सर। अच्छा बताइए, नोटिस हम कैसे दे सकते हैं, क्या चीज़ उसमें हम दे सकते हैं, बताइए आप, बोलिए क्या लिखें। ओ आप लिखिएगा जो वो हमने तेल डालिया था और जो घूम गया था पैसा, बाकी पैसा घूम हो गया था, वो पुलिस इंक्वायरी करके हमको दे दिया था। अच्छा तो ये बात बोलेंगे तो फिर पुलिस हम पे केस होगा ना, हम देखिए अब उल्टा अगर हम अगर कुछ करते हैं तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगा कि तू पुलिस वाला को बदनाम कर रहा है, बंगाल पुलिस को तुम बदनाम कर रहा है। तो सुनिए, ये तो होता है ना, और आप लिखिएगा कि हम मिस्टेक हो गया था। देखिए मिस्टेक सर, मिस्टेक लाइक रहता ना सर, तो हम लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जैसा व्यवहार किया गया ना कि वो ऐसा पुलिस ऑफिसर तो कर ही नहीं सकता, समझे ना, चोर से भी ज्यादा बदतर व्यवहार हो रहा था मेरे साथ। अच्छा सुनिए, इसीलिए उस लोगों का जो पनिशमेंट देना था दे दिया, ठीक है, आपको इसीलिए बता रहे, जो मिस्टेक हो गया उस लोगों का पनिशमेंट जो देना है वो दे दिया, ठीक है, इसीलिए बता रहे। आप अगर आपका मैंने हम कंप्लेन वापस ले लेंगे, हमसे हम भी बात किए, हमको भी तो उतना पता नहीं, जो कानून का जानकार हमसे बात किए, बोले कि पनिश अगर वापस करेगा तो दूसरा कंप्लेन डालेगा, अभी
एप्लीकेशन देगा तो तुम भी फंसेगा। लोगों का जो पनिशमेंट देना है तो वो दे दिया, अगर आपको देना है तो दे दीजिए। नहीं तो वही तो हम बोल रहे हैं, हमका आइन का जानकारी तो नहीं है, हमारा भाई है वो भी इंस्पेक्टर है, उनसे आप बात कर लिए, अगर वो बोलेगा तो हम नहीं आपको लोगों का जो मैंने रोड में जो एक्सीडेंट होता है वो होता है, कोई नहीं हाथ लगाता है, एक एक पुलिस वाला ही मदद करता है। तो वही तो हम बताए, वो सोचिए ये सोचिए फिर फर्क कीजिए। तो ये कुछ अंश हमने आपको सुनाए हैं बीच में, तो ये फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम पुलिस वाले तुम लोगों की हेल्प करते हैं जब एक्सीडेंट हो जाता है, ये है वो है ना, तुम कुछ भी बोल देना कि पैसे गिर गए थे अब मिल गए हैं तो के कंप्लेंट वापस ले लो। लेकिन उन्होंने अपने गाड़ी मालिक से भाई से सबसे बातचीत करी तो यही नतीजा निकला कि कंप्लेंट वापस नहीं लेनी चाहिए। जब तुम झूठ बोल के कंप्लेंट वापस लोगे तो तुम ही दोषी बन गए, कल को तुम्हारे पे केस कर दिया कि ये देखो खुद ही मान रहा है कि मैंने जानबूझकर पुलिस वालों को फंसा रहा था। तो वो कंप्लेंट वापस नहीं ले रहे हैं, पैसे जो भी था वो शायद इनका वापस आ गया है। इसके बाद इन्होंने ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं वेस्ट बंगाल की, उनको भी ट्वीट किया और उस ट्वीट का जवाब खुद डिप्टी SP ने दिया कि हम इसके ऊपर सख्त कार्रवाई इन पुलिस वालों के ऊपर करेंगे। तो प्राइमा फेसे ही जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कोई ऐसे झूठे नहीं है और ना ही कोई ऐसे किसी की हिम्मत है कि पुलिस वालों के ऊपर ऐसे कोई इल्ज़ाम लगा देगा, कुछ ना कुछ हुआ है तभी ये बात यहाँ तक गई है। और खुद डिप्टी SP जो है उनसे हमारी बात हुई है ट्रांसपोर्ट DB की टीम की, उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी सस्पेंड तो नहीं करा है लेकिन इसकी इंक्वायरी चल रही है, हम इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेंगे। अब क्या होगा, एक्शन होगा नहीं होगा हमें नहीं पता, लेकिन जो डिप्टी SP हैं उनका रहमान साहब हैं, ये पूरा नाम आपकी स्क्रीन पर है, मुझे फर्स्ट नेम नहीं लेना आ रहा, तो रहमान साहब हैं तो वो कह रहे हैं कि हम ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन आप सोचिए अगर ये बात कुछ ना कुछ तो सच है ही, जब खुद SP डिप्टी SP कह रहे हैं और जब वो बात ही कर रहे हैं, जब फ़ोन ही कर रहे हैं कि पैसे वापस कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय तो है नहीं कि पैसे तो लिए गए। लेकिन आपके क्या आपको मुझे तो मुझे एक लेवल था कि गुस्सा आता था, अब मैं थोड़ा उदास हो जाता हूँ कई बार कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार, और इतना गिरते ही जा रहा, मतलब पुलिस वाले यार, किसी को गुंडा है कोई शराबी है, पीछे एक खबर दी थी कि कुछ गुंडे थे ड्राइवर को मार दिया हेल्पर को मार दिया, यहाँ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं यार बिना किसी बात बंदे को, ये तो सीधा सीधा किडनैप एक्सट्रॉशन का मसला है ये। और क्या इंक्वायरी, पहले सस्पेंड करो बाद में इंक्वायरी करना, और कौन इसको फॉलोअप करता रहेगा, कितने केस को फॉलोअप करेंगे, मतलब कैसे कैसे लोग पुलिस में भर्ती हो चुके हैं और कैसी मेंटेलिटी है, सोच कैसी है कि लोगों को लूटना है। और वो कह रहे हैं कि हम लोग आपकी हेल्प करते हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे पुलिस वाले जो बिना किसी बात के किसी को उठा के पैसे मांग रहे हैं, वो एक्सीडेंट में भी लोगों की जेब से पैसे निकाल लेते होंगे, गाड़ी से तेल निकाल लेते होंगे, ऐसे किससे आए हैं पुराने, पहले इस पुलिस के नहीं किसी और पुलिस के आए होंगे। तो कुछ कहना ही नहीं है, कुछ भी उम्मीद ही नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उम्मीद करेंगे कि ये ठीक हो जाएगा, जो है सो है वो हम आपको पेश कर रहे हैं, कैसे होगा कब होगा पता नहीं। मैं राजाराम यादव, गाड़ी चलाने के दरमियान मेरे साथ एक बहुत बड़ा घटना हुआ, वो भी बंगाल में के कृष्णा नगर में। मैं दमकल से जब गाड़ी खाली करके लौट रहे थे तो लौटते समय करीब 12 बजे रात को मैं एक चाय दुकान खुला देखकर जब आलस आ रहा था तो वहाँ पे रुक के हम सोचे चाय पियेंगे। चाय पीने के ही दरमियान में एक तो पुलिस गाड़ी आया और 3-4 पुलिस वाले मिलकर हमें उठा लिए, पकड़ लिए और ले जाके हम साथ मेरे साथ गलत व्यवहार भी करने लगे, गाली गुपचा करने लगे, मारने पीटने का धमकी देने लगे और जो भी पैसा था वो टोटल छीन लिए। पैकेट से ज़बरदस्ती 7,000 रुपया था वो निकाल लिए, उससे भी मन नहीं भरा तो 3,300 रुपये का इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में फ़ोन पे करवाया गया। जब ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैंने सुबह कृष्णा नगर SP को फ़ोन किया, उनको मैं जब फ़ोन किया वो एक्शन लिए तब जाके मेरा पैसा वापस हुआ। इसीलिए सभी ड्राइवर भाइयों से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके साथ कभी भी कोई घटना हो तो ये सोशल मीडिया का उपयोग जरूर करें, गूगल का उपयोग करके खोज के उस पर कार्रवाई जरूर होगा। आपको लगता है कि सारे ऑफिसर भ्रष्ट हैं तो सारे सिस्टम कभी भ्रष्ट नहीं होता है, एक ऑफिसर भ्रष्ट 2-3 हो सकता है, लेकिन अगर सभी के पास आप खबर पहुंचा दीजिएगा तो कार्रवाई ज़रूर होगा। क्योंकि मैंने वहां के SP है मैडम उनके पास भी फ़ोन किया, फ़ोन रिसीव नहीं किया रात को। उसके बाद मैंने बंगाल के DGP मनोज मालवीय जी को पास मेल किए, उनके बाद मैंने
डिप्टी एसपी रहमान साहब के पास मेल किए और फ़ोन किए और रहमान साहब ने कार्रवाई कर दिए। आज वही पुलिस वाला रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार हमसे केस उठाने की बात कर रहा है। और कल वही पुलिस वाला मुझे गाली दे रहा था, मारने की धमकी दे रहा था और हमारे सामने कितना ड्राइवर को पीट भी रहा था, दो चार ड्राइवर और पकड़ गया था, उन लोग को मार पीट रहा था, उससे ज़बरदस्ती कर रहा था। तो हम सभी ड्राइवर भाई लोग से कहना चाहते हैं कि जागरूक रहिए, सजग रहिए और अपना संविधान पर विश्वास कीजिए और उसके साथ ही लड़िएगा तो आपको जीत मिलेगा। मेरा पैसा वापस हुआ और उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी 90831 90831 पर व्हाट्सएप कर दें तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।